नमस्कार किसान भाइयों, किसान मित्र चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं एक ही खेत में कैसे आप 4 से 5 फसलों की खेती कर सकते हैं आसानी से। ठीक है किसान भाइयों, तो जुड़े रहें, वीडियो को अंत तक देखें। और अगर आप नए किसान भाई हैं जो पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो जो रेड बटन है सब्सक्राइब बटन, उस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास लगे घंटी को निशान को दबाएं ताकि आपको अगला वीडियो मिलना सुनिश्चित हो सके। जी हाँ किसान भाइयों, तो आज हम बात करने वाले हैं मल्टी लेयर फार्मिंग के बारे में। इस तकनीक से किसान एक खेत में एक साथ 4 से 5 फसलों की खेती आसानी से कर सकता है। ठीक है किसान भाइयों, तो इस तरह की जो खेती होती है किसान भाइयों, काफ़ी बार ऐसा होता है कि खेत कम होता है और किसान को उस कम खेती में के लिए भी उस खेती पर निर्भर रहना पड़ता है। आप अगर अधिक खेती है, अब जो बड़े काश्तकार होते हैं, जो बड़े किसान होते हैं, उनको इतनी समस्याएं नहीं होती हैं क्योंकि उनके पास खेती ज़्यादा होती है तो उत्पादन भी ज़्यादा होता है। लेकिन जो छोटे किसान होते हैं अपने, जिनके पास खेती 1 बीघा 2 बीघा या 3 बीघा खेती होती है, उसके लिए भी उन्हें पूरी मेहनत उतनी ही करनी पड़ती है, लेकिन उत्पादन फिर उस जगह के हिसाब से ही मिल पाता है। तो किसान भाइयों, अगर किसी किसान के पास कम ज़मीन है और अगर वो खेती उस पर करना चाहता है, तो उसके लिए ये जो तकनीक है ये बहुत ही अच्छी तकनीक है, जिसमें किसान भाई कम ज़मीन के अंदर 4 से 5 फसलें आराम से लगा सकता है। तो इसके लिए क्या करना होता है किसान भाइयों, कि इस तकनीक से किसान को 4 से 5 फसलें की खेती आसानी से कर पाता है। इसके लिए किसान पहले ज़मीन में ऐसी फसल उगाए जो कि भूमि के अंदर उगती है। जैसे कि मान लीजिए कि जो ज़मीन के अंदर उगने वाली जो कंद वाली फसलें होती है वो पहले उगाना है, उसके बाद उसी भूमि पर सब्जी या फूलदार पौधे लगा सकते हैं आप। इन फसलों के अलावा जैसे छायादार और फलदार वृक्ष भी लगा सकते हैं। उससे क्या होगा किसान भाइयों, कि इस तकनीक से कम भूमि में भी एक से अधिक फसल की खेती हो जाएगी। इसमें क्या होगा कि आपको मल्टीलेयर फार्मिंग में आप जैसे कि मान लीजिए अदरक हो गई, चौलाई हो गया, पपीता हो गया, कुंदरू आप लगा सकते हैं, सब्जियों में करेले की फसल हो गई, या अन्य फसलों की खेती आप कर सकते हैं। आपके अकॉर्डिंग आप जानकारी रखते ही हैं कि जो कंद वाली फसलें हैं, जो ज़मीन के अंदर उगने वाली फसलें हैं वो सबसे पहले लगानी है, फिर उसके बाद जो फल फूल वाली जो फसलें होती हैं वो आप लगा सकते हैं, जो बड़े छायादार या थोड़े बड़े पौधे होते हैं वो आप लगा सकते हैं, जैसे संतरा भी इसी में आ जाता है किसान भाइयों। तो इस तरह की खेती आप करके और कम ज़मीन में भी मुनाफा अच्छा कमा सकते हैं। अब इस खेती से फ़ायदे कितने होते हैं किसान भाइयों, कि अगर आप मल्टी लेयर फार्मिंग करते हैं तो आपको अपनी फसलों में जो कीट और रोग से आप बचा सकते हैं। इसमें क्या होगा कि भूमि में खरपतवार लगने का खतरा भी कम हो जाएगा, क्योंकि खाली जगह नहीं रहेगी तो भूमि में खरपतवार नहीं होगी। दूसरा है कि जैविक खाद का उपयोग होता है, तो इससे निराई गुड़ाई का खर्चा भी कम हो जाएगा और खाद की बचत भी होगी। क्योंकि किसान भाइयों, एक फसल में जितनी खाद पड़ती है उतनी ही खाद आपको 4 से 5 फसलों के लिए भी पर्याप्त होगी। इस तकनीक में पानी की 70% तक बचत हो जाएगी और किसानों के लिए अधिक मुनाफा भी इसमें मिलता है। तो ये मल्टी लेयर फार्मिंग जो है किसान भाइयों, ये आपके लिए बहुत ही उन किसानों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है जिनके पास ज़मीन कम है और जो खेती करना चाहते हैं या करते हैं। ठीक है किसान भाइयों, तो मल्टी लेयर फार्मिंग में कम लागत में आपको ज़्यादा मुनाफा मिल सकता है। अब कृषि वैज्ञानिकों की माने तो अगर किसान मल्टी लेयर फार्मिंग से खेती करता है तो उनकी लागत में 4 गुना कम लगती हैं, इसके साथ ही मुनाफा 6 से 8 गुना बढ़ जाता है। क्योंकि किसान भाई खेत में एक साथ कई फसलों की खेती करता है तो फसलों को एक दूसरे से पोषक तत्व मिल जाते हैं, इस तरह भूमि उपजाऊ भी बनती है और साथ ही पानी और खाद की बचत भी हो जाती है। ठीक है किसान भाइयों, तो आप भी अगर सीमांत या छोटे कृषक हैं और आप भी अगर मल्टी लेयर फार्मिंग करना चाहते हैं तो एक बार आप ज़रूर ट्राई करें
और अपना अनुभव हमें हमारे साथ ज़रूर शेयर करें, ठीक है किसान भाइयों। और इसी तरह हम आगे भी आपको वीडियो उपलब्ध कराते रहेंगे जानकारियों से परिपूर्ण। और जो किसान भाई अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो उनसे निवेदन रहेगा, आप रेड बटन प्रेस करें, लाल बटन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और पास लगे घंटे के निशान को दबा लें ताकि आपको अगला वीडियो मिलना सुनिश्चित हो जाए। धन्यवाद किसान भाइयों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद।